शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। खाद्य तेलों के अधिक आयात की वजह से वनस्पति तेल का आयात मार्च में 13% बढ़कर 11 लाख टन से अधिक हो गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने कहा है कि मार्च 2022 में 11,04,570 टन का आयात हुआ है, जबकि मार्च 2021 में ये 9,80,243 टन था। मार्च 2022 में खाद्य तेल का आयात बढ़कर 10,51,698 टन हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 9,57,633 टन था। वहीं खाद्य तेल का आयात इसी अवधि में 22,610 टन से बढ़कर 52,872 टन हो गया है। तेल वर्ष 2021-22 के नवंबर 2021 से मार्च 2022 के पहले 5 महीनों के दौरान वनस्पति तेल का कुल आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 53,75,003 टन की तुलना में बढ़कर 97,95,728 टन हो गया है। तेल वर्ष 2021-22 के पहले 5 महीनों के दौरान रिफाइंड खाद्य तेल का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 24,101 टन से तेज वृद्धि को दर्शाता हुआ 7,71,268 टन हो गया है। कच्चे खाद्य तेल का आयात 52,16,225 टन से घटकर ये 48,71,650 टन हो गया। वहीं सी ने कहा है नवंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान पाम तेल का आयात घटकर 26,53,253 टन हो गया है, जो नवंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान 30,90,559 टन था। दूसरी ओर हल्के तेल का आयात नवंबर 2020 से मार्च 2021 के 21,49,767 टन से बढ़कर 29,89,665 टन हो गया है। इसका मुख्य कारण सोयाबीन तेल का अधिक आयात होना था। एसोसिएशन ने कहा कि पिछले महीने के दौरान 2,12,000 टन सूरजमुखी तेल जहाज से आया। इस आयात की खेप रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू होने के पहले ही भारत के रवाना हो चुकी थी। ये आयात मुख्य रूप से यूक्रेन से 1,27,000 टन, वहीं रूस से ये 73,500 टन और अर्जेंटीना से ये 11,900 टन से ये हुआ है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।